सीएम भगवंत मान वालों भी अधिकारियों को सख्त हुक्म दे दिए ने कि लोगों के विचरना है, जो भी मुश्किल आ रही है उन्होंने हल करवानी है। इस लैके नाल दी नाल सीएम भगवंत मान वालों ट्वीट करके भी गल आख दी है कि जिन्हें भी पंजाब दे विच एम एल ए ने मंत्री ने वह भी अपने अपने हल्के दे विच घूमण दौरा कर हल्का खड़दे एम एल ए ते पंजाब दे मंत्री अनमोल गगन मान भी अपने हल्के दे विच दौरा कर रहे। इसनों लैके अलग अलग पिंडा दे विच उन्हां वल्लों प्लान बनाया गया सी कि अलग अलग पिंडा दे जिथे ते नुकसान होया लोकां दे घरां च पानी बढ़िया जां फिर कोई होर किसी दा वड्डा नुकसान आउ तां उस जगह दे उत्ते दौरा जिहड़ा करना सी। पर दस्या जा रहा कि पहला पिंड जो कि पिंड रकौली दे विच जदों मंत्री अनमोल गगन मान जांदे ने तो उस समय दौरा करते समय उन्हों का पैर दसा जा रहा कि पानी के फिसल जाता है, जिसके कारण उन्होंने खड़दे हस्पताल के दाखिल करवाया गया। पंजाब दे विच भारी बारिश के कारण जिथे कुदरती कहर मच रहा है, दूजे पास दस दें कि लोगों के घर पानी बढ़ गया है, कई नदियां नाले भर के आ रहे हैं, कई डैमों के फाटक खोल दिते ने, जिसन लैके लोगों अपील की है कि तुम अपने घर रहो, घर तो बहर ना निकलो, जिसके कारण कोई बड़ा नुकसान ना हो। जिसन लैके सीएम भगवंत मान वालों भी अधिकारियों सख्त हुक्म दे दिए ने कि लोगों के विचरना है, जो भी मुश्किल आ रही है उन्होंने हल करवानी है। इसनों लैके नाल दी नाल सीएम भगवंत मान वालों ट्वीट करके भी गल आख दी है कि जिन्हें भी पंजाब दे विच एम एल ए ने मंत्री ने वह भी अपने अपने हल्कों के घूमण दौरा कर जिथे जिथे ज़्यादा पानी आ चुका है उत्थे की सहायता लोगों दे सकते हैं उस तरीके की सहायता दी जाए। इसनों लैके हल्का खड़दे एम एल ए ते पंजाब दे मंत्री अनमोल गगन मान भी अपने हल्के दे दौरा कर रहे हैं, जिसन लैके अलग अलग पिंडा दे विच उन्हां वल्लों प्लान बनाया गया कि अलग अलग पिंडा जिथे ते नुकसान होया लोगों के घरां च पानी बढ़िया जां फिर कोई होर किसी का वड्डा नुकसान आ तां उस जगह दे उत्ते दौरा जिहड़ा करना सी। पर दस्या जा रहा कि पहला पिंड जो कि पिंड रकौली दे विच जदों मंत्री अनमोल गगन मान जाते हैं तो उस समय दौरा करे उन्हां दा पैर दस्या जा रहा कि पानी दे विच फिसल जाता है, जिसके कारण उन्होंने खड़दे हस्पताल दे विच दाखिल करवाया गया। उत्थे डॉक्टरां वल्लों इलाज दौरान दस्या गया कि मंत्री अनमोल गगन मान दे पैर दे विच फ्रैक्चर आया, जिसके कारण उन्होंने हुण एक महीने लई बैड रैसट दसी गई है। तो मंत्री अनमोल गगन मान वल्लों वीडियो पा के भी जारी कर दी है, अपील की है लोगों को कि पैनिक होने की लोड़ नहीं। मैडम अज काफी एरिया कवर करके आए हो, की हालात ने खरड़ हल्के? देखो पहला असीं टकौली गुरुद्वारा साहिब गए जिथे स्कूल चो 300-400 बच्चा कढ़ के उत्थे बिठाया, तो हुण सारा जिहड़ा प्रशासन उह नाल लगा के उन्हां नूं घरों घरी छड़ रहे हैं। तो खरड़ दा माजरी दा कुराली दे वख-वख एरिया दा जिहड़ा अज दौरा कीता, एमरजेंसी जिहड़ियां सिचुएशन NDRF सारा सिस्टम जिहड़ा असीं लगाया होया है, कोई किसे घबराउण दी लोड़ नहीं। एमरजेंसी नंबर जारी कीते होए आ हरेक एरिए दे विच जिहड़ियां वख-वख एमरजेंसी टीमां लाईआं होईआं। सो मैं हलका वासियां नूं बेनती करदी आं भी किसे गल्लों घबराउणा नहीं आ, जिहड़ी प्रशासन है सरकार तुहाडे नाल आ, इह कुदरत दी मार आ ते लोड़ तों ज़्यादा मीह पै रिहा है जिहदे करके जिहड़ी सिचुएशन उह आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो रही है। बट असीं साडे सारे जिहड़े इंतजाम उह पुख्ता ने, हर हीले असीं जिहड़ी सिचुएशन नूं कंट्रोल करन दी कोशिश कर रहे हां ते तुसीं जिहड़ा अपना साथ बनाई रखो। ਇਹ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪੈਰ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਇਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੀ ਹੁਣ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੁਣ ਐਕਸਰੇ ਹੋਇਆ ਸਵੇਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜਾਣ ਨੂੰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਵੀ ਪੈਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਾ, ਬਟ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜੂਗਾ ਠੀਕ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੈਨਿਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉੱਤੇ ਟੀਮਾਂ, ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਮੀਂਹ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੋ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਗਿਰੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਅਨਔਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੀਂਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹੁਣ ਢਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਆ, ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਂਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੀਂਹ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਮਕਾਨ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਫੀਲਡ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਅਨਸੈਸਰੀ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਨੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ?
देखो मैं यही कहूंगी भी किसी ट्रैफिक दे विच जां पब्लिक दे विच किसी तरीके की परेशानी नहीं होनी चाहिए। सियाने बन के हुण सारे जिहड़े घरां दे जिन्ना मींह दा पानी वधिया होया घरां दे अंदर बैठो ते मुश्किलां लोकां नूं आ रहियां ने ते ज्यादातर इहो जिही सिचुएशन च पानी सड़कां ते ज्यादा है ते दिक्कत आ सकदी। सर अज मैडम अनमोल गगन मान जिहड़े कैबिनेट मंत्री आए सी सर की गल हुई? मैम आए सीगे, उन्हां दा फ्रैक्चर सीगा पैर दा, जोन फ्रैक्चर सीगा ते फिर असीं इत्थे ट्रीटमेंट कीता, उन्हां दा स्लैब लग्गिआ। सर किन्ने दिन वास्ते? ये 4 to 6 weeks का बेड रेस्ट है, क्योंकि आपसी भाईचारक सांझ बढ़ा के रखनी है। दूजे पासे इस कुदरती कहर दे विच आपसी साथ दी लोड़ है, जिस नूं लैके किसी नूं भी एक दूजे की कोई सहायता होए तां जरूर करनी चाहीदी है। लगातार पंजाब दे मंत्री MLA अपने अपने हल्कें दे विच घूम रहे हैं, क्योंकि कुदरत दे अगे किसी का जोर नहीं चलता, भावें सरकारां होण, भावें अधिकारी होण, जां फिर आम लोग होण। तां इस नूं लैके आपसी सांझ बना के रखनी है। अगर किसी नूं कोई नुकसान हो रहा, उसदे नुकसान दे विच उसदा साथ देना कि उसका नुकसान बच सके। कई लोग तमाशा देखते हैं, पर इस समय दे विच किसी नाल भी कोई भाणा वापर सकता है, जिस नूं लैके हलका खड़ दे विच लगातार अधिकारियों वालों नंबर दियां लिस्टां जारी कर दित्तियां ने। अगर किसी नूं भी सहायता की लोड़ होवे, पुलिस वालों भी लगातार फोर्सां लगा दित्तियां ने कि अगर किसी नूं कोई भी तरीके की कोई जरूरत होवे, खाने की जरूरत होवे, कोई कितने इधर उधर जाने की जरूरत होवे, तो उन्हां वास्ते भी गड्डियां का प्रबंध कर दिता है, खाण पीण का प्रबंध कर दिता है। तो मंत्री ने मोगरमा वालों खास अपील जिहड़ी लोगों नूं कीती है कि तुहानूं डरन की लोड़ नहीं, ये कुदरती कहर है, कदे भी किसी नाल भी वापर सकता है, पर इस दे विच आपसी भाईचारे सांझ बनाउण दी लोड़ है। तो देखते हैं जिस तरीके नाल कुदरती कहर जिहड़ा बारिश पै रही है, इस दे विच पानी लगातार आ रहा है नदियां नाले डैमां दे विच, पर इस तों सचेत होण दी लोड़ है, बचण दी लोड़ है। पानी दे नज़दीक बहुता ना जाओ, जिसके कारण थोड़ा कोई नुकसान भी ना होवे। असीं अपील करते हैं जिन्हें भी दर्शक देख रहे हैं, वध तों वध खबर नूं शेयर करो, जिहदे नाल कि आम लोगों का, थोड़े दोस्त मित्रां का कोई नुकसान बड़ा ना हो। थोड़े कैमरामैन सुमित दे नाल हरते सिंह।